और लाहौर में सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त, जहांगीर तरीन की साबिक सीनियर सूबाई अब्दुल अलीम खान के घर आमद। लाहौर अब्दुल अलीम खान ने जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज में जहराना दिया। नए सियासी पार्टी बनाने के हवाले से जहांगीर तरीन की मुशावरत हुई है। हमें कोई प्रेशर ग्रुप बनाने की बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए, शुरका की तजवीज़। नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। शुरका की ये राय है कि बहुत से मजीद रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अली तारिक हमारे साथ हैं। अली, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और अलीम खान की लाहौर में मुलाकात हुई है। अलीम खान की तरफ से जहांगीर तरीन और इनके साथियों के एजाज में जहराना दिया गया है। जहराने में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली मौजूदा और साबिक शख्सियात की शिरकत जहराना अलीम खान की रिहाइशगाह पर दिया गया, और जहराने में वजीर आजम के मामले खसूसी ओन चौधरी की भी शिरकत की गई। इसके अलावा इसमें खालिद महमूद भी मौजूद थे, एक सियासतदान। इसके अलावा सैयद अकबर खान नवानी भी शरीक थे, और इस वादे से भी ये बात तय की गई है एक मुलाकात में कि जहांगीर तरीन जल्द अहम सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जल्द अपनी सियासी नई सियासी पार्टी का भी जो है ऐलान कर दिया जाएगा। जी जल्द ऐलान किया जाएगा। अली तारिक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।